वही लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आने लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा था, जिसमें रुद्रपुर में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 सवाल पूछे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उनका विकास का रोड मैप कहां है। एक उत्तराखंड की देवभूमि को चुनाव के प्रथम चरण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का आज एक साथ जनसभा के माध्यम से लोगों को सुनने का मौका मिला, लाखों की संख्या में लोगों को जुड़ने का मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और जनता का उत्साह बता रहा था अभी थोड़ी देर किस प्रकार से मोदी जी से जुड़ने के लिए, पार्टी को मतदान करने के लिए किस प्रकार से उमंगित है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस किसी प्रकार की चुट्टी लड़ने की राजनीति करती है, कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। और आज मोदी जी ने कहा, एक बात कहा कि राहुल गांधी किस तरह की अब आप शराब की बातें कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों, आखिर आपका विकास का रोल मैप है क्या? आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, वो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? और ऐसे सब विषयों की बात करते हैं जो न्याय सब जुड़ी से, इन पर कानून अपना काम कर रहा है, कानून बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है,